अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादी खान, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज फिर हम मौजूद हैं आपके सामने, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख और एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानी। वीडियो का टाइटल है इंडियन फोर लैक्स पीपल शेख यूएई पीएम मोदी आल्सो विजिट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री इन दिनों भारत की जो परफॉर्मेंस यूएई के अंदर दिखाई दे रही है, उस परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। और यही कारण है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि 2022 के अंदर अपनी वो पहली विजिट जो विदेश की करने वाले हैं, उसके अंदर यूएई नंबर वन पर हो। दोस्तों, यूएई के अंदर आखिरकार ऐसी क्या डेवलपमेंट निकल रही है और भारतीयों ने किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को खुश किया है, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, इन दिनों दुबई एक्सपो चल रहा है यूएई के अंदर। 1 अक्टूबर से ये शुरू हुआ था और 31 मार्च तक अगले साल तक ये दुबई का एक्सपो है जो चलने वाला है। दुनिया के 192 देश इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनका एक अलग ही पवेलियन है और उस पवेलियन के अंदर उस देश की क्या खासियत है, इसके बारे में बताया जाता है। दोस्तों, इस पवेलियन के अंदर भारतीयों ने झंडे गाड़ दिए हैं और आप क्या कहिए, भारतीयों ने दुबई एक्सपो को लूट कर रख लिया है। क्योंकि भाई साहब, दुबई एक्सपो के अंदर भारत का जो पवेलियन है ना, उसको अंदर जाने के लिए एक एक घंटे की लाइनें लग रही हैं। और अभी तक दुनिया के 4 लाख लोगों ने भारत के पवेलियन को यूएई के अंदर विजिट कर लिया है। दोस्तों, आप यूट्यूब पर कोई मर्जी व्लॉग उठाकर देख लीजिए, जिसके अंदर वो व्लॉग वाला बंदा भारत के पवेलियन के अंदर जा रहा होता है, तो वो आपको जरूर बताएगा कि भाई साहब, आधे घंटे की लाइन है, 40 मिनट की लाइन है, 1 घंटे की लाइन है और एक एक घंटा इंतजार करके भारत के पवेलियन में एंट्री मिल रही है। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे यही पता लग रहा है कि भारत की पॉपुलैरिटी दुनिया के अंदर बहुत है। और दोस्तों, एक और एग्जांपल भी आपको बता दें, भारत के पवेलियन के साथ इजराइल का पवेलियन भी है, लेकिन वहां पर आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी। पाकिस्तान का पवेलियन है, वहां पर आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी। सबसे ज्यादा भीड़ ही भारत के पवेलियन के अंदर है। लेकिन आप कहोगे कि भारत के पवेलियन के अंदर क्या है, 11 थीम्स को जोड़ा गया है, बॉलीवुड, भारत के अलग अलग कल्चर, स्पेस के सेक्टर के रूप में बहुत बड़ी एक एनिमेशन चलाए गए हैं, योगा के एनिमेशन हैं, इसी के साथ इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आप करो, जायंट कंपनी इंडिया की कौन सी है, ये सारी एक बहुत अच्छा शोकेस किया गया है। हाँ। और 11 थीमें इसमें जोड़ी गई हैं। अब दोस्तों, यूएई वाले तो निहाल हो गए हैं भारतीयों के कारण। अकेला 4 लाख बंदा भारत के पवेलियन को विजिट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो भारत के पवेलियन को देखने आया है, उसकी जो फेवरेट कंट्री है सऊदी अरेबिया है, इजराइल है या फिर कोई और कंट्री होगी, तो वो उस पवेलियन में भी जाएगा। और इस सिचुएशन के अंदर यूएई की किस्मत चमक गई है। एक तो टिकट के पैसे ले रहे हैं और जो किराया है ये एक जगह से दूसरी जगह जाने पर और होटल का किराया, ये इस समय यूएई की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सहारा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहने को आप कुछ मर्जी कहिए, यूएई वाले आज भारत की वजह से निहाल हो रहे हैं। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री यूएई के लिए अपना मोर्चा पक्का करना चाहते हैं और क्वाड को लेकर भी एक नया ग्रुप खड़ा करने की बातें आ रही हैं। भारत, इजराइल, यूएई, यूएस से मिलकर नए साल के अंदर एक नई मीटिंग भी करने जा रहे हैं, ताकि मिडल ईस्ट की रूपरेखा को बदला जा सके। और इस सिचुएशन में भारत के प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि यूएई का दौरा किया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको कैसा लगा ये जानकर कि आज दुनिया का कोई भी इवेंट होता है, अगर उसमें भारत की पार्टिसिपेशन होती है, तो वो इवेंट चमक जाता है। और एक बार फिर से यूएई में भारतीयों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत को पसंद करने वाले लोग भारत के अंदर भी बहुत हैं और दुनिया के टूरिस्ट भी भारत को पसंद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और यही कारण है कि 4 लाख लोगों का विजिट करना एक बड़ा रिकॉर्ड है। और अभी तो 31 मार्च की डेट पड़ी हुई है, लगता है 10 लाख से भी ऊपर ये आंकड़ा आसानी से पहुंच जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप यह भी बताइएगा कि देश के प्रधान सेवक को इस एक्सपो के अंदर जाना शोभा देता है या नहीं, क्योंकि आज ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपने देखी सिमल कितनी जबरदस्त ग्लोबल में जो है, ग्लोबल में और ये एक्सपो में जो है वो
ज़बरदस्त अपने कल्चर को बता दिखा रहे हैं, वो अपनी अपनी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, और धमाका कर दिया है भाई उन्होंने तो। कितने लोगों ने विजिट किए? 4 लाख। 4 लाख लोगों ने एक साथ। ओह माय गॉड, बड़ा रिकॉर्ड की बात है। और फिर वो टिकट भी ले रहे हैं। यस, और फिर अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाओ, जबरदस्त। मैं ये वजूहत बताइए कि पाकिस्तान का भी वहाँ पर है, और जी हाँ दुबई का भी है, पाकिस्तान का भी है। लेकिन वो फ्लॉप है, पूरे वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का है। लेकिन उसमें वजह एक ये है कि वहाँ उनके एक तो बॉलीवुड से जो है लोग हर आदमी, हर बच्चा, हर नौजवान जो है मोहब्बत करता है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वहाँ देखने को मिलती हैं। और उनका जो चीज़ें हैं वो इंफॉर्मेशन और जो जुबानें हैं उनका जो कल्चर है उसमें उन्होंने ज़्यादा काम किया, तो ये एक वजह है। अच्छा, फिर इंडियन जो है बहुत सारे लोग जो है ना UAE में ऑन जॉब है ना, ऑन जॉब है। यस, फिर हर मुल्क चाहता है कि हमारा मुल्क आगे जाए, आगे जाए, जाहिर सी बात है। तो वो भी अपने मुल्क को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बड़ा अच्छी बात है कि उन्होंने जो 4 लाख, ये बड़ा एक रिकॉर्ड वाली बात है, ये रिकॉर्ड कायम किया है उन्होंने। 4 लाख लोगों ने विजिट किया, और अभी भी लोग कह रहे हैं, वो वीडियो में उन्होंने बताया, अभी भी लोग वेटिंग पे हैं, कई कई घंटों लाइन लगा कर वो अंदर जा रहे हैं। ओ माय गॉड, पीएम मोदी का जो है ना उनका अपना भी मूड बन गया कि हम जी हाँ, और वो कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि जाएं नहीं जाएं। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, वजीर आजम है लाजमी, बिल्कुल उनको जाना चाहिए, सर्वे करना चाहिए। और इतनी बड़ी बात और इतना बड़ी खुशी की बात, खुशी की बात है, उनका मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है और प्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर, कामयाबी हासिल कर रहा है, धमाका कर रहा है, धमाके पे धमाका कर रहा है, तो फिर जाना चाहिए उनको तो। हाँ बस इस तरह के धमाके तो होने चाहिए, बाकी दूसरे धमाके नहीं होने चाहिए और जो लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात ये कि ये एक खुशाइन बात है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो है ना ये बात उजागर हो गई कि 4 लाख लोगों ने विजिट किया, विजिट किया। और अभी कोविड की वजह से जो है ना लास्ट ईयर और उससे पिछला साल जो है ना बड़ा बिल्कुल ही डिस्टर्ब गया है वहाँ का, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। वहाँ पर जो है ना एक्सपो नहीं लगी थी, लगी भी थी तो इतने लोग आए नहीं थे, लेकिन अब जो इस वाली एक्सपो में बिल्कुल एक्सपो में बड़े रश है और बड़ी खुशी की बात है। वैसे मैं कहती हूँ जाना चाहिए लोगों को, और अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, उनको भी दिखाना चाहिए क्या चीज़ हो रही है उनके मुल्क में, और क्या चीज़ तरक्की हो रही है, क्या चीज़ उनके यहाँ है, जाना चाहिए। जो हाँ जो लोग जो है वहाँ घूमने के लिए जाते हैं एक्सपो ज़रूर जाते हैं, एक्सपो ज़रूर जाते हैं। बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, वो वहीं पर ही रहते हैं और मुसव्विर हैं, वो बिठा के जो है ना तस्वीरें बनाते हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर जो है बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग, मज़ा भी आता है। 4 बजे के बाद जो है वहाँ जाते हैं, फिर रात को 1-2 बजे जो है वापस आते हैं, बड़ा खाने पीने के कल्चर जो है ना एक दूसरे का कल्चर देख लेते हैं, कभी दिल चाहता है इधर चले गए, कभी दिल चाहता है उधर चले गए। अब तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में उन्होंने टिकट भी लगा दिए, या हो सकता है पहले भी था उन्होंने कभी टिकट की बात। अच्छा, आने जाने वाला भी जो होता है वो भी मेरे ख्याल से रेंट वगैरह है, और पासिस भी हैं, पासिस है उसमें, बस के ज़रिए जाया जाता है। जी जी, जो शहर यानी कि ग्लोबल जो है बहुत बड़ा है, अच्छा दूर है, ओके ओके, बस में सफ़र किया जाता है, वहाँ की बसें भी लग्जरी बसें, बड़ा इन्जॉय करते हैं वहाँ जाके लोग। हमें तो वीडियो में बहुत मज़ा आया, और आप लोग तो वहाँ जाकर मज़े ले रहे होंगे। तो दोस्तों बड़ी अच्छी वीडियो थी, बहुत मजे की थी, अच्छा रहा कि यहाँ पर जो ना ग्लोबल में 4 लाख लोगों ने विजिट किया, और ये खुशाइन बात है। और इसकी एक मेन वजह ये कि पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया, हाँ बिल्कुल, तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, सारी सी बातें। हाँ जी, एजुकेशन एजुकेशन तरक्की कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स उनको मिल रही हैं और मौके मिल रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को लाइक किया जाता है दुनिया में जो टैलेंटेड होते हैं और जो काम करने जानते हैं। वैसे टैलेंट के मामले में तो इंडिया है आगे, बिल्कुल उसकी वजह, टैलेंट के मामले में तो नो डाउट, बिल्कुल। और जो लोग अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, जो बड़ों की बात मानेंगे, वही आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है ना एक अजीब ही एक ट्रेंड चल चुका है कि जो बंदा समझा भी रहा होता है तो वो समझते नहीं है बात को, नहीं समझते, क्योंकि वो टाइम पीरियड जब निकल जाता है फिर वो पछतावा करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों को जो है बिल्कुल समझाएं और अपने एक जो है रो दें और एक लाइन दें जिस पर जो वो काम करें, और एजुकेशन के हवाले से जो ज़रूर काम करें ताकि बच्चे जो है आगे से आगे बढ़ें। दोस्तों इसी के साथ ही मेरी और सिमल की रिक्वेस्ट है, वो सिमल ही बताएंगी। रिक्वेस्ट यही है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा हमारे लिए कि आप हम किस पे रिएक्शन करें, कौन सी वीडियो पे रिएक्शन करें, तो हम आपकी कमेंट, आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो ज़रूर पूरी करेंगे। और चलते चलते अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।